स्टूडेंट्स, हाय, दिस इज नेशनल, आई एम मीरोफ। लास्ट पार्ट जो पार्ट वन था हमारा इस चैप्टर का, जो क्लास नाइन्थ का इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है, इसमें जो केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम कर रहे हैं, वो पार्ट जो है वो एक पार्ट हमने कंप्लीट किया, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ऊपर आप आई बटन में भी आता होगा, अगर नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा पार्ट वन इसका। ठीक है, हम उसमें पहुंचे थे इवेंट्स लीडिंग टू द एसेशन, कि कैसे कश्मीर का एसीड हुआ इंडिया के साथ, और उसके बाद कैसे फिर कुछ इवेंट्स ऑकर हो गए जिसकी वजह से जो है अभी भी ये कुछ हिस्से कश्मीर के पाकिस्तान के अंडर है, कुछ चाइना के अंडर है, बट हम मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो इवेंट्स पढ़ रहे हैं जो पार्टीशन के दौरान हो गए। ठीक है, तो उसमें जो है हमने पढ़ा था कि जो हमारे महाराजा यहाँ के थे उस वक्त, तो ये उसके लिए शॉर्ट लिव्ड एक डायलेमा था, क्योंकि उसके बाद ऐसे इवेंट्स हो गए कि फिर इंडिया के साथ उसने एसीड किया। ठीक है, तो पहला जो हमारा इवेंट है जो हम पढ़ रहे हैं वो है द केस ऑफ गुरदासपुर एंड द इकोनॉमिक ब्लॉकेड। गुरदासपुर कौन सी जगह है और वहाँ पे इकोनॉमिक ब्लॉकेड क्यों हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक्चुअली थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि ब्रिटिश के दौर में उससे पहले कैसा था, उसके बाद कैसा हुआ। आपको मैं अभी नीचे से दिखाऊंगा ये जो गुरदासपुर वाला एरिया, ये कौन सा एरिया आज का पंजाब है। ठीक है, तो जब मुगल डायनास्टी का जो है मुगल सुप्रीमेसी खत्म हो गई, तो इस एरिया में एक्चुअली जो है सिख का पावर जो है इमर्ज या राइज होने लगा। तो इसमें एक स्टायरिंग सीन तब आ गया जब सिख गुरुज जो है, अब क्लोजली एसोसिएट इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो गुरु नानक वाला एरिया जहां वो बॉर्न हुआ था, जो आज के दौर में पाकिस्तान वाले हिस्से में आता है, तो वो ये एरिया जो है उस वक्त उसी एरिया में पड़ता था। अब इस एरिया में ऐसा क्या हुआ जो हमारे जो प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर है इसके ऊपर इसका असर पड़ा। पहली चीज जो इम्पोर्टेंट चीज है, महाराज जो है वो सिख है, महाराज हरि सिंह। ठीक है, अब ये जिस लीनियस से वास्ता रखता था उसमें जो गुरु हरगोबिंद सिंह है या श्री हरगोबिंदपुर जो वहां का एरिया है उसी के नाम पे पड़ा हुआ है, तो इसी तरह डेरा बाबा नानक और एक है डेरा बाबा नानक जो बटाला तहसील के अंदर आता है, इसी के साथ साथ बंदा सिंह बहादुर है, ये इनके गुरुज है बहादुर शाह के दौर में। एम्परर बहादुर शाह जो है ये इस वाले एरिया में बहुत पॉपुलेशन में पाए जाते थे और ये फॉलो करते अपने गुरुज की टीचिंग्स को और फेथ को। ठीक है, अब जब डिक्लाइन ऑफ मुगल शाही हो गया तो सिख्स ने राइज जो है स्टार्ट की, तो वो अपना जो पावर है सिख कम्युनिटी का या हम सिख रिलीजन का कहेंगे वो धीरे धीरे अब इमर्ज होने लगा। तो ये जो महाराजा रणजीत सिंह से जब हम देखते हैं, जब वो एज्यूम करता है इस एरिया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर दीनानगर के आसपास जो एरियाज है वो अपनी टेरिटरी में लाता है, तो रणजीत सिंह जो है इसीलिए वो इस एरिया को अपने अंडर में लाता है, क्योंकि इसमें मैगो गार्डन्स या रनिंग कैनाल्स जो है उसको बहुत जो है पसंद आ गए और वो फेवरेट समर रेजिडेंसेस थी इसके लाइन ऑफ पंजाब के लिए, उसका नाम टाइटल था। सो दैट इज वाई कि ये रणजीत सिंह का टाइम था जो मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया। अब ब्रिटिश रूल का देखेंगे इस गुरदासपुर का, ये क्या था, ब्रिटिश दौर में ये सब डिवीजन था लाहौर डिवीजन का। आई विल रिपीट, गुरदासपुर ब्रिटिश दौर में सब डिवीजन था किसका, इसी लाहौर डिवीजन का, जिसके साथ हम लास्ट पार्ट यानी पार्ट वन में हमने पढ़ा था हमारी जो यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो कश्मीर के थे वो इन एसोसिएशन थे या हम कह सकते हैं एफिलिएटेड थे लाहौर यूनिवर्सिटी के साथ या पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। ठीक है, तो ये जो है गुरदासपुर एरिया ये लाहौर डिवीजन में ही उस ब्रिटिश शाही के दौरान आता था। इट वाज सब डिवाइडेड इनटू फोर तहसील्स, एक गुरदासपुर, दूसरा बटाला, शिकारगा एंड पठानकोट। जो गुरदासपुर है आज के पंजाब इंडिया में आता है और पठानकोट भी इंडिया के कब्जे में ही आता है, बाकी जो दो है वो उसके आते हैं उस कब्जे में। तो 1881 के सेंसस के हिसाब से इस डिस्ट्रिक्ट में करीबन 823,695 लोग रहते थे। अब उसके बाद हमें ये तो डिस्कस नहीं करना है वहाँ कौन था कैसे था, हमें डिस्कस करना है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में कैसे एक कॉज ऑफ मैटर बना या हम कह सकते हैं एक सेंट्रीफ्यूगल पॉइंट बना रेडक्लिफ अवार्ड का, जो उसने उस वक्त जिसके बारे में हम लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं कि उसका एक रोल था पार्टीशन में। ठीक है, तो ये उस वक्त जो है फिर बन गया मरकज पार्टीशन जब हुआ
कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट का, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट अभी था ही नहीं बट सिर्फ डिसीजन मेकिंग में अभी देर लगा दी थी, जिसके लिए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट लिया था किसने, महाराजा ने, ठीक है। अब मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ईस्टर्न तहसील में माइग्रेट करने लगे, जो आज का पाकिस्तान है, एज रिफ्यूजीज वहां से जो हिंदूज एंड सिख्स है उन्होंने शिकारगाह में जो रहते थे वहां से माइग्रेट किया, वो गुरदासपुर में आ गए। तो यहाँ से क्योंकि शिकारगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे मुस्लिम ज्यादा रहते थे क्योंकि ये इसका सब डिविजन था, तो वो भाग गए पाकिस्तान वाले एरिया की तरफ। उस वक्त अभी लाइन जो है इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनी थी, तो वो वहां के लोग जो हिंदू या सिख्स है उन्होंने माइग्रेट किया गुरदासपुर। तो जब उन्हें ऐसा रवि ब्रिज क्रॉस किया तो इस एरिया में वो सेटल होने लगे। तो ये था उसका कार्व आउट जो हमने देखा पठानकोट डिस्ट्रिक्ट के आसपास, जहां पे गुरदासपुर में अभी भी सिख रहते हैं, अभी भी वो जो हिंदूज रहते हैं, और इसमें बहुत सारे जो किलिंग्स भी हुई हैं, बहुत सारे मस्जिदों को तोड़फोड़ किया गया, इसी तरह उन्होंने भी किया, तो आपस में झगड़े होते रहते हैं। तो उस वक्त हुए थे बहुत सारे झगड़े हुए थे। तो फिर पठानकोट डिस्ट्रिक्ट जो है कंप्राइज सब डिविजन में आता है, दो डिविजन, यानी पठानकोट जो आज का हमारे एरिया के साथ बाउंड्री के साथ लगता है कश्मीर की जो लखनपुर एरिया है, तो पठानकोट और दारकलान ये दो सब डिविजन है इस डिस्ट्रिक्ट के, और उसमें आता है नारोथ, जयमाल सिंह एंड बमियाल। तो ये वाला एरिया है इस वक्त इंडिया के कब्जे में, जबकि इसमें मुस्लिम मेजोरिटी थी, ये बिलोंग करना चाहिए था पाकिस्तान को। तो कॉन्फ्लिक्ट एक ये था। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट जो हमने परसों पढ़ा वो ये था कि जो टेलीग्राफ सिस्टम था, पोस्टल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम या हम इंस्टीट्यूशंस जो एफिलिएटेड थे वो सारे पाकिस्तान यानी लाहौर से वाबस्ता थे कश्मीर के, और पोस्टल सिस्टम भी उन्हीं का था और बैंकिंग भी था। तो उस एतबार से कश्मीर डिवीजन जो है पाकिस्तान चाहता था ये हमारे साथ एक्सीड करेगा, यानी एसेशन करेगा, इट बिलोंग्स टू अस, एक पॉइंट वो था। दूसरा पॉइंट, हम मुस्लिम मेजोरिटी है। तीसरा पॉइंट अपने हमने अभी पढ़ा कि गुरदासपुर जो है ये ब्लॉकेड इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ से रास्ते से जो है माल आता जाता था, ट्रेड एंड कॉमर्स होता था इसी पंजाब वाले एरिया से, मैप से मैं फिर से दिखाऊंगा। और उसके अलावा जो लोग थे वहां के वो मुस्लिम मेजोरिटी थे, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान है इस एरिया को क्लेम करता था। अब रेडक्लिफ के द्वारा क्या हुआ, इस चीज को काटा गया, यानी पाकिस्तान ने क्लेम किया आप इस चीज को हमसे काटने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी जो एसेस है वो कश्मीर तक आप काट रहे हैं, तो इट इज जस्ट लाइक यू आर इंटरफेयरिंग विद द एसेंशियल सप्लाईज एंड डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग पोस्टल एंड टेलीग्राफ सिस्टम विच इज एसोसिएटेड विद द पाकिस्तान, वी आर टॉकिंग द कश्मीर एंड द लिंक्स ऑफ पाकिस्तान that are claimed, sorry, that were claimed by the Pakistani authorities that time. So it became the first event. ठीक है। Second event is the tribal invasion. तो tribal invasion कब take place करता है ये 22 अक्टूबर 1947, ठीक है, से लेकर 5 जनवरी 1949 तक चलता है, ठीक है। तो ये जो है tribal invasion, इसमें क्या हुआ और ये कहां से आए tribals, और ये tribals कौन थे। इस इन्वेजन को दो नाम दिया गया है, इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947-48 और द फर्स्ट कश्मीर वॉर। ये एक आर्मर्ड कॉन्फ्लिक्ट अब इससे बना, इस इन्वेजन से, जिसकी वजह से इंडिया एंड पाकिस्तान जो है आमने सामने आ गए जंग की सूरत में। अभी आजादी स्टार्ट में ही थी, यानी अभी कुछ महीने हुए थे अगस्त एंड सितंबर का, तो उसकी वजह से जो है ये आपस में भिड़ने लगे एक प्रिंसली स्टेट को अपने साथ मिलाते हुए। तो दैट मीन्स इंडिया अपने तरीके से इसको क्लेम करने लगा कश्मीर को, और पाकिस्तान अपने तरीके से क्लेम करने लगा। तो जम्मू एंड कश्मीर में अब ये पहली जंग थी जो एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में एज अ ट्राइबल इन्वेजन आप समझो स्टार्ट होता है। तो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस अब स्टार्ट करते हैं एक दूसरे के साथ लॉक हॉर्न, यानी वॉर पे जुट गए। तो इसकी वजह से जो है दोनों के बहुत नुकसान होते हैं, यानी बहुत सारी मास किलिंग होती है, साथ साथ यहाँ पे जो इन्वेडर्स आते हैं उसकी वजह से यहाँ पे भी केओस एंड कंफ्यूजन फैलने लगी। तो ये ट्राइबल्स कौन थे, ये ट्राइबल्स एक लश्कर थी यानी मिलिशिया था जो वजीरिस्तान के साइड से आ गया। तो इट वॉज एन एफर्ट टू कैप्चर द कश्मीर, ठीक है। तो पॉसिबली इट्स रूलर जो है कश्मीर का वो चाहता था ज्वाइन करना किसके साथ, इंडिया के साथ,
एज सॉरी कंक्लूसिव रिजल्ट ये निकला कि जंग अब होने लगी, क्योंकि दोनों कंफ्यूजन में थे कि क्या कश्मीर हमारे साथ रहेगा कि उसके साथ रहेगा या अलग रहेगा। तो डिसीजन मेकिंग में अगर किसी ने रोड़ा डाला तो ट्राइबल इन्वेजन दूसरा इवेंट था जिसने फिर से रोड़ा डाला। पहला था गुरदासपुर ब्लॉकेड, यानी रास्ता ही बंद किया, सारी पोस्टल स्टैम्प्स काटने के लिए कोशिशें चल रही थी, यानी कश्मीर को पूरी तरह काटने की कोशिश की गई पाकिस्तान से, क्योंकि इसके साथ मैंने जो पॉइंट्स एसोसिएट अभी बताए वो थे। अब बहुत सारे लोग जो इसको मतलब मेरा वीडियो सुन रहे होंगे वो खुद भी सर्च कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। अब हिस्ट्री में अपने अपने तरीके से, चाहे पाकिस्तान वाले हो तो अपने तरीके से इसको बताएंगे, इंडिया वाले अपने तरीके से, ठीक है। तो हम सिर्फ वो फैक्टर्स बता रहे हैं जो आपको इजीली अवेलेबल कहीं से भी मिलेंगे, अगर आप विकिपीडिया से भी सर्च करोगे वहां से भी मिलेंगे, ठीक है। तो पॉसिबली अब क्या होता है, एक जंग होती है बिटवीन द टू नेशंस। तो ये नेशंस के बीच में जो जंग स्टार्ट होती है, वजह इसकी एक ही होती है, द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दैट वाज ऑफर्ड बाय द सॉरी दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय द महाराजा इन ऑर्डर टू टेक अ लिटिल बिट टाइम टू मेक अ कॉन्क्रीट डिसीजन टू हूम ही और कश्मीर विल ज्वाइन, वेदर इट विल बी पाकिस्तान और इंडिया, और विल इट रिमेन फ्री। दिस वॉज अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब इस ट्राइबल इन्वेजन की वजह से जो महाराजा हरि सिंह है यहाँ के थे उस वक्त जम्मू कश्मीर के, अब ही वॉज फेसिंग एन अपराइजिंग बाय द मुस्लिम सब्जेक्ट्स। तो स्पेशली जब ये ट्राइबल्स आ गए वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से, आ गए फ्रंटियर एरिया से, आ गए पूंछ से, एंटर हो गए किंगडम में, यानी इस प्रिंसली स्टेट के अंदर, ये पाकिस्तानी पश्तून ट्राइबल्स थे जिन्होंने क्रॉस बॉर्डर किया और इन्होंने लोकल ट्राइबल मिलिशिया के साथ और खुद भी मिलके इरेगुलर पाकिस्तानी फोर्सेस भी अब एंटर होने लगी कैपिटल सिटी श्रीनगर की तरफ ही जा रहे थे, रीचिंग अप टू द बारामूला। जहां तक मेरा मतलब मेरी इंफॉर्मेशन है वो करीबन जो है आज का श्रीनगर में जैनपुर वाला एरिया वहां तक आए थे और वहां पे फिर वहां से उनको भगा दिया गया। कुछ फोर्सेस वहां तक पहुंचे थे ट्राइबल्स के और उनको हरा दिया गया वहां से, वो निकाल दिया गया है वहां पे। उनकी जो है फेस टू फेस कॉन्फ्लिक्ट इंडियन आर्मी के साथ हो गई उस वक्त। अब आप सवाल करोगे इंडियन आर्मी कैसे एंटर हो गई अगर वो आ गए, यहाँ की कौन सी आर्मी थी? तो आपकी बुक में लिखा होगा और यहाँ पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो लिखा है कि जब वो बारामूला जो ही वो पहुंचे उन्होंने प्लंडर स्टार्ट किया, स्टेलिंग स्टार्ट की, तो उसकी वजह से महाराजा हरि सिंह जो है प्ली इंडिया को करता है असिस्टेंस के लिए कि मुझे ऑफर करे अपनी आर्मी की असिस्टेंस, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू हिज साइनिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन टू इंडिया, इंडिया ने शर्त रखी, कहा हम तभी आपके अंदर जो है स्टेट के अंदर आर्मी भेजेंगे जब आप साइन करेंगे। तो इस असना में वो फिर एक रूट अपनाते हैं, यानी एंटरिंग मुजफ्फराबाद से, तो वो रिज्यूम करते हैं अपने प्रोग्रेस टूवर्ड्स द श्रीनगर थ्रू जाली वैली रोड, ठीक है। तो अब ये जब मार्च कर रहे थे टेम्पररीली इनके सामने यानी आमने सामने उड़ी के पास इनको कुछ ब्रेयर रेजिस्टेंस मिली, तो वहां पे लगभग 150 स्टेट सोल्जर जो मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा रहा हूँ, ये थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फोर्सेस जो इनके साथ रेजिस्ट करने लगे, क्योंकि अभी डिसीजन मेकिंग में टाइम था, स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट अभी चल रहा था। तो इसकी वजह से जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है आपस में भिड़ने लगे ये ट्राइबल्स प्लस यहाँ के स्टेट फोर्सेस। उस वक्त उनका ब्रिगेडियर था राजेंद्र सिंह, तो वो उस फाइट में मारा जाता है, इट वाज अ लास्ट डिच बैटल, ठीक है। सो फोर्सेस जो है यहाँ के कोलैप्स हो गए, तो उनकी अटैक बहुत खतरनाक थी, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो इसीलिए फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फिर ये महाराजा जो है रिक्वेस्ट करता है कि हमें हेल्प भेजिए डिस्पैच मिलिट्री फोर्स काउंटर करने के लिए, ट्राइबल अटैक हो गया है, अभी डिसीजन नहीं हुआ है। तो मीटिंग में डिफेंस कमेटी जो है अक्टूबर 25, 1947 में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली के अंदर महाराजा डिमांड पे बैठती है सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के लिए, क्योंकि बहुत खतरा था, स्टेट को बचाना जरूरी था प्रिंसली स्टेट को। तो उन्होंने कहा इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सेंड एनी ट्रूप्स अनलेस द जम्मू एंड कश्मीर हैड फर्स्ट ऑफर्ड टू एक्सेप्ट, क्यों इंडिया ने उस वक्त, इंडिया क्लेम अभी भी कर रहा है कि उस वक्त हमने कहा अगर हम ट्रूप्स डायरेक्ट भेजेंगे इट विल बी इन्फिल्ट्रेशन, हम आपके अंदरूनी मामला अपना इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकते जब तक ना आप एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन हमारे साथ साइन करेंगे, उसके आधार पर हम आपको ये
जो है मिलिट्री डिस्पैच करेंगे. तो इट वॉज अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैव अ मिलिट्री हेल्प टू सेंड अ मिलिट्री फोर्सेज इन ऑर्डर टू हेल्प द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द ट्राइबल इन्वेजन एंड दिस हेल्प टर्न इन टू द हेल्प फॉर ऑल ऑफ अस. सो अब तक चलो ठीक है, सिचुएशन ग्रिम हो गई. उस वक्त कैसे हुआ, क्या हुआ, फिर धीरे धीरे जो पॉसिबली ये सारी चीजें जो है अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होता है, फिर ट्रूप्स आते हैं, फिर ये उसके बाद ये कब होता है 26th of October 1947. तो उस बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, तो फिर यहाँ पे वीपी मेनन ठीक है उस वक्त ये सारी चीजें जो है उसकी इंफॉर्मेशन बेस पे फिर हेल्प प्रोवाइड की गई. इंडियन आर्मर्ड फोर्सेज जो है एयरलिफ्ट की गई श्रीनगर में. सक्सेसफुली उन्होंने कैरी आउट किया रेस्क्यू ऑपरेशन एंड पुश बैक द इन्वेडर्स, तो उन्होंने उनको भगा दिया. मीनवाइल क्या हुआ, इन्वेडर्स जो है उन्होंने अपनी जो कोशिश है वो उस पर डटे रहे, तो उन्होंने बहुत सारे एरियाज पे कब्जा किया. तो दे वर जस्ट डिटरमाइंड टू बिल्ड टू ऑक्यूपाई द लद्दाख बट इट वॉज सेव्ड. तो उनकी फिर कोशिश लास्ट ईयर है कि हम लद्दाख को भी ऑक्यूपाई करेंगे. तो सुपीरियर स्ट्रैटेजी जो है अपनाई गई इंडियन मिलिट्री की तरफ से और एयरफोर्स की तरफ से. तो फिर डिफेंस फॉर द लद्दाख जो है वहां पे ब्यूट किया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फ्रंटियर एरिया ऑफ लद्दाख. फिर उसके बाद वो लद्दाख से खदेड़ दिए गए. नाउ हाउएवर इन द नॉर्दर्न ऑफ द रीजन गिलगित बल्तिस्तान जो है स्ट्रैटेजिक एरिया जो जिनकी बाउंड्री आगे जो ऊपर वाले एरियाज कारगिल गिलगित बल्तिस्तान उनके अफगानिस्तान से हमारे बॉर्डर से. मैं अभी दिखाऊंगा ये मैप है, आप देख सकते हो अपर पार्ट जो इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है. तो इनिशियली जो है इसको फिर which was initially given on lease is 60 years के लिए to British by the Maharaja Hari Singh and it was also grabbed by the invaders. So that means ये वाला area lease पे था British को, महाराजा ने दिया था इनको ठीक है ये area, मगर इन पे जब कब्जा invaders का हो गया फिर ये lease खत्म हो गई क्योंकि अब उन पे invaders का कब्जा उस area पे हो गया. फिर January 1948 में क्या होगा, India ने move किया इस issue को regard लेस, उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया, इस इशू को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया कि जम्मू एंड कश्मीर जो टेरिटरी है जिस पे पाकिस्तान ने कब्जा किया है, यूएन जो है इस वक्त यूनाइटेड नेशंस उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास किया गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 ऑफ 21st अप्रैल 1948, जिसके तहत सब्सिक्वेंटली ये एग्रीमेंट किया गया सीज फायर का कि द कराची सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1949 में, जहाँ पे जिसका कब्जा है वो जो है पहले उसके हिसाब से पाकिस्तान को आर्मी वापस निकालने क्योंकि इन्होंने ही इन्फिल्ट्रेशन की थी. तो वो जो मसला है वहां पे, तो सॉरी पहले मैं रोकूंगा यहाँ पे, जो कराची सीज फायर एग्रीमेंट उससे पहले जो हमने पढ़ा था ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था, तो वहां पे एक्चुअली नेहरू जो है अपनी बायोग्राफी में लिखता है कि जो लॉर्ड माउंटबेटन की इंसिस्टेंस थी क्या आप इस चीज को तब ट्रूप्स वहां पे भेजे जब आप पहले इनको टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन करेंगे टू बी टेम्पररी, उसके बाद जो हेल्प है जब खत्म हो जाएगा ये मसला फिर हम ट्रूप्स निकाल देंगे. तो फिर उसमें वो लिखता है अपनी बायोग्राफी में दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने इस चीज को जो है ज्यादा अहमियत नहीं दी. उनमें प्रोमिनेंट जो बंदा है सर्वपाल गोपाल जो है उन्होंने इस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी. तो दूसरा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ठीक है. तो ये दो बंदे थे उनने ज्यादा अहमियत इस चीज को नहीं दी, उन्होंने समझा इट विल बिकम अ हेडेक इन फ्यूचर फॉर द इंडिया, सो हियर दे जस्ट इग्नोर और वी कैन से दे डोंट गिव एनी मच इंपॉर्टेंस टू देयर लॉर्ड माउंटबेटन्स इंसिस्टेंस. बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान रिफ्यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द एसेशन. पाकिस्तान ने क्लेम किया हम ये एसेशन नहीं मानते हैं, हम इसकी तर्दीद करते हैं, इट इज अ फ्रॉड एंड वायलेंट और वी कैन से वायलेंट वायलेंट इसलिए है और वायलेंस इसीलिए है क्योंकि अभी डिसीजन किसको करना था महाराजा को, जबकि डिसीजन किसी और ने डिक्लेयर किया. तो दोनों अब आपस में और जो मसला है अब संजीदा होने लगा. अब उन्होंने ट्रूप्स जो भेजे कब्जा जहां तक कि अब वहां से हटा नहीं रहे इंडिया, अब यूएन में लेके गया. अब वही यूएन जो यहाँ पे है हम डिस्कस कर रहे हैं. जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होता है 21st अप्रैल 1948 को ठीक है,
तो इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 47 कहा जाता है। इसमें जो है कश्मीर का इश्यू जो है रेजोल्यूशन लेके कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया वहां पहुंचता है, तो इसमें जो आर्ग्यूमेंट्स है दोनों कंट्री से सुने जाते हैं। फिर काउंसिल जो है सिक्योरिटी काउंसिल वो इंक्रीज करता है साइज ऑफ कमीशन, वो लाता है यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 39 टू 5 मेंबर्स, किस किस को, अर्जेंटीना, बेल्जियम, कोलंबिया, चेकोस्लोवाकिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। वो इनको इंस्ट्रक्ट करता है कि आप कमीशन जो है आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाओ और उनको वहाँ की जो दोनों गवर्नमेंट है इंडिया एंड पाकिस्तान इनको हेल्प करो इन ऑर्डर टू रेस्टोर द पीस सो दैट द रीजन में नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस और वॉर लाइक सिचुएशन इन फ्यूचर सो एज टू प्रिपेयर फॉर द प्लेबिसाइट टू डिसाइड द फेट ऑफ कश्मीर। अब आप मुझे सवाल करोगे इस रेजोल्यूशन में ये प्लेबिसाइट वर्ड क्या है। प्लेबिसाइट क्या होता है? ये एक किस्म का रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम से क्या मुराद है? रेफरेंडम होता है लेस कॉमनली रेफरेंडा, यानी डायरेक्ट टू वोट बाय द इलेक्टोरेट कि वो इशू जो है वो कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो प्लेबिसाइट में जो लोग हैं यहाँ के उनको खुद चूज करना है कि वो किसके साथ रहेंगे, इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ या फ्री रहेंगे। तो ये प्लेबिसाइट भी आज तक कभी हुआ नहीं। अब तो सिचुएशन और ही मतलब वो सिचुएशन ही खत्म हो गई आर्टिकल 370 और 335 है, और वहां से भी अपोजिट साइड से भी बहुत सारी चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस आ गई। तो अब कोई चांस नहीं है प्लेबिसाइट का। नाउ इट इज अ यूनियन टेरिटरी। तो इसमें जो है फिर नेक्स्ट टाइम 1949 में क्या होता है, इंडिया एंड पाकिस्तान कराची सीज फायर एग्रीमेंट करते हैं। तो कराची सीज फायर एग्रीमेंट जो है 1949 में साइन किया जाता है मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इसमें यूनाइटेड नेशंस कमीशन भी आता है जिनका मैंने अभी नाम ले लिया, और वो सीज फायर जो है एग्रीमेंट कराते हैं कश्मीर के ऊपर जो फॉलोइंग इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर जो 1947-48 तक हुआ, यानी ट्राइबल इन्वेजन जो स्टार्ट उसकी वजह से हुआ था। तो अब ये सीज फायर लाइन जो है एस्टेब्लिश की जाती है, इसको मॉनिटर यूएन करता है ऑब्जर्वर फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस। अगर आप भी यूएन ऑफिस देखना चाहते हैं वो सलवार में है, तो जब हम सलवार यहाँ से सुलेमान तख्त सुलेमानी यानी जिसको आप शंकराचार्य भी कहते हैं वहाँ की तरफ मुड़ती है एक छोटी सी गली, तो वहीं पे यूएन ऑफिस मिलेगा आपको। राइट साइड से एक दरगाह है छोटी सी अवलिया की, तो वहाँ पे यूएन ऑफिस है, उसके गेट पे लिखा है। तो ये अब होता है कराची सीज फायर एग्रीमेंट। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो सिग्नेटरीज होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल एस एम श्री नागेश जो इंडिया की तरफ से है, और पाकिस्तान की तरफ से था मेजर जनरल डब्ल्यू जे हॉकथॉर्न, तो ये ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान था। तो इसमें जो है हर्नांडो सेम्पर एंड एम डेलवोल ये थे फ्रॉम यूनिसेफ, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अब इस पे हस्ताक्षर करते हैं, तो इसको ट्रू सब कमेटी के नाम से भी जाना जाता है इस यूनिसेफ को। तो अभी हम यहाँ तक जो है उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अगर कहीं गलती भी होगी तो वो कमेंट करके बता देना प्लीज। इसमें और बहुत सारे सिग्नेटरीज या हम कह सकते हैं डेलीगेशन में बहुत सारे मेंबर्स भी थे, चाहे वो इंडिया की तरफ से थे या पाकिस्तान की तरफ से थे। तो डिफेंस मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर्स वो भी इसमें थे। तो डेलीगेशन इंक्लूड जो नज़ीर अहमद एंड ब्रिज शेर खान भी थे, मोहम्मद अयूब भी थे, ए खान भी थे, ठीक है। ये बहुत सारे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसमें मैं एक बात ऐड करूंगा, जो एस के सिन्हा है उसने स्टेट किया, यानी बता दिया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने उनको ब्रीफ किया था इंडियन डेलीगेशन को बिफोर द कराची मीटिंग के, वहां पे उन्हें ये बता दिया यूएन रेजोल्यूशन के तहत कंसीडर द लीगैलिटी ऑफ कश्मीर एसेशन इंडिया एंड सो एनी नो मैंस लैंड वुड बिलोंग टू इंडिया, द पाकिस्तानी डेलीगेशन वुड नीड टू प्रोड्यूस प्रूफ टू द यूएन कमीशन ऑफ एक्चुअल पोजिशन ऑफ देयर कंट्रोल फॉर ऑल द टेरिटरी दे क्लेम। तो ये कौन कहता है, सिन्हा कहता है। तो ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ एग्रीमेंट डिमार्केटेड सेवरल हंड्रेड स्क्वायर माइल्स ऑफ टेरिटरी ऑन द इंडियन साइड इवन दो देयर वर नो इंडियन ट्रूप्स इन दैट टेरिटरी। तो ये था वो स्टेटमेंट जो ब्रीफ किया गया था इंडियन डेलीगेशन को बिफोर द कराची एग्रीमेंट जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें मैं ये आपको दिखाऊंगा अभी, ये आप देख सकते हो। तो फिर वो एक किस्म का जो एग्रीमेंट है बनता है लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो सारी चीजें जो इसके बाद होती है।
फिर 1970s के बीच में शिमला एग्रीमेंट होता है जिसको सिमला एग्रीमेंट लिखा जाता है। बायलेटरल रिलेशंस इंडिया की और पाकिस्तान की खराब होती है क्योंकि बांग्लादेश में जो सिचुएशन हुई होती है वो एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान था, वो भी एक किस्म का एक टेंशन था। तो इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 पे फिर शिमला एग्रीमेंट किया गया। तो ये सारी चीजें जो है बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट फिर फॉलो होते गए और वार दो तीन, फिर इंडो सेना वार भी हुआ। तो इन सब चीजों की वजह से जो है टेंशन्स जो है बढ़ गई इस सब कॉन्टिनेंट के एरिया में। फिर सियाचिन का होता है, फिर करगिल वार होता है 1999 में, तब मैं छोटा सा था जब वो हुआ। तो एक यूनिक यहाँ पे एक फैक्ट राइट साइड में दिया गया है, अगर आप बुक पे देखोगे, सियाचिन लद्दाख वाज दैट ऑफ मेजर जनरल थिमाया who personally led the surprise attack by taking his tank to the snow covered Zuhila Pass on 1st November 1948. He succeeded in driving out the entrenched invaders out of the region. So it was a great initiative that was taken by the Major General Thimaya. So usne wahan pe invaders ko wahan se nikal diya jo trenched se entrenched the. अब इस एग्रीमेंट के तहत या सीज फायर के तहत जो यूएन रेजोल्यूशन के तहत हुआ, वन थर्ड ऑफ टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर है और कंप्राइजिंग ऑफ गिलगित, अब उसमें जो है आप दरार पाते हैं। तो जो गिलगित बल्तिस्तान वाला एरिया है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रहता है, उसमें मुजफ्फराबाद वाले एरियाज भी है अभी भी है। तो फिर ये 36% ऑफ टोटल लैंड है और 45% ऑफ लैंड अंडर इंडियन ऑक्यूपेशन एंड 19% ऑफ लैंड अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन। तो इसमें कुछ वर्ड्स आए थे, लीज एक लीगल एग्रीमेंट होता है, दे टू यूज ए बिल्डिंग और अ लैंड फॉर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फिर वापस उसको रिटर्न करना होता है। नेक्स्ट इज सीज फायर। सीज फायर क्या होता है, बिटवीन टू कंट्रीज टू स्टॉप फाइटिंग, उसको सीज फायर कहते हैं। जब दो कंट्रीज के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, हम एक दूसरे के ऊपर हमला या फायरिंग नहीं करेंगे, फाइटिंग नहीं करेंगे। अब वो जो एरिया है जिसकी मैंने अभी बात की थी ऊपर, वन थर्ड ऑफ टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित वाला एरिया, उसमें हुंजा, बल्तिस्तान, रावलाकोट, सुधानाती, नीलम, बिम्बर एंड मुजफ्फराबाद, कोटली, मीरपुर, ये पाकिस्तान ऑक्यूपेशन रहते हैं। और ब्रॉडली जो नोन है जिसको POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, ये आया यहाँ तक समझ। अब नेक्स्ट पार्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर जो कब्जा इंडिया के अंदर रहा है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के तहत इंडिया के साथ क्या हुआ, तहसील हुआ। 1950 अक्टूबर 1950 में क्या जनरल काउंसिल बुलाया जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पास किया जाता है एक रेजोल्यूशन, रिकमेंड किया गया उसके तहत कि हम इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग द स्टेट अ कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे एक डिटरमेंट फ्यूचर ऑफ जेएंडके किया जाएगा कि जेएंडके स्टेट अब फ्यूचर में कैसी रहेगी, क्या ये पार्ट ऑफ इंडिया रहेगी या एक ऑटोनॉमस स्टेट रहेगी। तो उसमें 1951 मई में क्या होता है, करण सिंह जो है कैपेसिटी ऑफ द रीजेंट इशू एक प्रोक्लेमेशन करता है, कन्वोकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कहता है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रखेंगे, उसको बनाएंगे और उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत वोटिंग हो जाएगी, इलेक्शन किया जाएगा और असेंबली इलेक्शंस जो है, असेंबली जो हेल्ड की जाएगी वो अकॉर्डिंगली की जाएंगी। और जब वो किया गया वो सारा प्रोसेस, तो फॉर द फर्स्ट टाइम अक्टूबर 1951 में वो असेंबली मीट कर गई। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर क्या की गई, डिलिमिट की गई, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रेम की गई, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस तरीके से वो उनको फिर डिवाइड किया गया और किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन कौन मेंबर उठेंगे, तो और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने मेंबर होंगे, ऑन द बेस ऑफ वन मेंबर टू 40,000 पीपल। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम एक मेंबर टू 40,000 पीपल होना चाहिए, एज अ पीपल वर एश्योर्ड टू फ्री एंड फेयर एक्सरसाइज ऑफ द वोट। फिर इलेक्शंस का ऐलान किया गया। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है जम्मू एंड कश्मीर की बनाई गई और केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1957। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि 26 जनवरी 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट जो है अडॉप्ट कश्मीर की हुई, केम इनटू फोर्स हो गई। तो इंडिया की भी 26 जनवरी थी, फिर उन्हें नवंबर जो है असली था डेट 26 नवंबर, ठीक 1950। ठीक, तो उसमें अब 26 जनवरी मनाया जाता है। तो ये कुछ लोगों का कहना है, जबकि ऐसा
कुछ नहीं है, वो रिपब्लिक डे है इंडिया का। उस वक्त जो एक होता है इनेक्ट होना, दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना, वो दो दो डिफरेंट टर्म्स है, वो मैंने पढ़ाया है आपको। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है खत्म होता है। फिर फ्यूचर ऑफ कश्मीर जो है आप फिर देखते हो, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, फिर बार बार ऑटोनॉमी, जो कश्मीर एक ऑटोनॉमस स्टेट रहती है, इसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग जो मैं दिखा रहा हूँ आपको राइट साइड, तो अपना फ्लैग रहता है इसकी, दो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस होता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है सदर रियासत करण सिंह रहते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ के अपने होते हैं, फिर धीरे धीरे इरोजन ऑफ ऑटोनॉमी, फिर बनते हैं गवर्नर, ठीक गवर्नर के बाद साथ साथ जो है प्राइम मिनिस्टर वो कन्वर्ट होते हैं चीफ मिनिस्टर में, तो वो सिलसिला भी लगभग 2019 तक जारी रहा। फिर 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल की वजह से फिर कश्मीर यूटी बना, तो तब से लेके अभी तक 2031 तक यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल है, क्योंकि ये यूटी बन गई। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म, इंशाल्लाह यहाँ पे बुक सारी जो है हमने कंप्लीट की। अब हम देखेंगे नया हमारा टॉपिक क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ पे अल्लाह हाफिज। आपको अगर हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं दूसरों तक भी पहुँचाए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।